इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स इंसिडेंस एंड मोनोपोली मार्केट के बारे में, यानी कि मोनोपोली मार्केट के केस में अगर टैक्स लगता है तो कंज्यूमर बियर करेगा या प्रोड्यूसर बियर करेगा, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इक्विलिब्रियम बता देता हूँ कि मोनोपोली का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, जिससे कि हमारे कंसेप्ट को आसानी हो जाए बच्चों को समझाना। तो देखिए, ये है हमारा मोनोपोली मार्केट का केस। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि ये AR है, आप बच्चों को ये आता भी होगा, AR है जो कि डिमांड कर्व को भी डिनोट करता है, और ये MR है जो कि AR का हाफ होता है। और इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC MR को नीचे से इंटरसेक्शन करे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये MC जीरो मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर MC इक्वल टू MR है, यानी कि ये वाला, और MC MR को नीचे से कट करे, जिसको कि हम नाम दे देते हैं E, क्वांटिटी हो गई Q और प्राइस हो गया OP। इस केस में हम ये मान लेते हैं कि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो ये वाली है, एवरेज कॉस्ट। तो इस कंडीशन में फर्म को ABPP1 एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन को हमने दिखाने की कोशिश की है। अब मान लीजिए टैक्स लगता है, टैक्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है प्रॉफिट टैक्स जो कि लमसम टैक्स होता है, और दूसरा हो सकता है स्पेसिफिक टैक्स जिसके बारे में हम यहां पे वीडियो बात करेंगे, जो कि सेल टैक्स हो सकता है। तो अगर हम मान लीजिए हम बात करते हैं स्पेसिफिक टैक्स की, हम इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स की, यानी कि ये वो टैक्स होते हैं जो फर्म के प्रॉफिट पे लगाए जाते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। यानी कि एक तरीके से ये फर्म की फिक्स कॉस्ट की तरह है, इससे ना फर्म की वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, ना फर्म की मार्जिनल कॉस्ट चेंज होगी, केवल और केवल एवरेज कॉस्ट चेंज होगी, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट चेंज होती है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि इंपोजिशन ऑफ लमसम टैक्स एंड प्रॉफिट टैक्स सिंपली रिड्यूस एक्सेस प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक, सिंस दीज आर टू टैक्सेस आर एन एडिशनल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। यानी कि दीज टैक्स आर रिड्यूस एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो फर्म का प्रॉफिट मिल रहा होता है उस प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ना तो ये मार्जिनल कॉस्ट को अल्टर करता है, ना ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अल्टर करता है, केवल और केवल ये जो है ये हमारी एवरेज कॉस्ट को ही अल्टर करता है। तो जैसे हमारा जो प्रॉफिट है उसमें कमी देखने को मिलती है, तो बच्चों डायग्राम के थ्रू ही हम आपको समझा देते हैं पूरी तरीके से। मान लीजिए कि इस केस की वजह से फर्म की एवरेज मार्जिनल कॉस्ट में किसी भी तरीके से चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये टैक्स प्रॉफिट कमाने के बाद लगा हुआ है, यानी कि फर्म की केवल और केवल एवरेज कॉस्ट ही बढ़ेगी। ये देखिए एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि जो प्रॉफिट पहले था PP1BC, अब प्रॉफिट घटकर केवल ये वाला हिस्सा रह जाएगा, इसको हम P2 बोल देते हैं, यानी कि केवल अब इतना प्रॉफिट रह जाएगा, क्योंकि इस केस में प्राइसेस नहीं बढ़े, क्योंकि इस केस में प्राइसेस नहीं बढ़े, इसीलिए टैक्स का सारा बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर आएगा, कंज्यूमर किसी भी तरीके से टैक्स का बर्डन बियर नहीं करेगा। यानी कि यही बात हमने देखी यहां पे भी लिखी हुई है कि हेंस द इक्विलिब्रियम इज द मोनोपोलिस्टिक मार्केट विल रिमेन द सेम, कंसिक्वेंटली आउटपुट एंड प्राइस विल रिमेन अनचेंज। यानी कि आउटपुट भी अनचेंज रहेगा, प्राइसेस भी अनचेंज रहेगा, क्योंकि प्राइस अनचेंज रहा है, इसीलिए अगर मोनोपोली मार्केट का केस है और उसमें टैक्स लगता है, तो टैक्स लगता है कौन सा, लमसम टैक्स लगता है, तो उसकी वजह से ना प्राइस चेंज होगा ना क्वांटिटी चेंज होगी, केवल और केवल प्रॉफिट में कमी देखने को मिलेगी। द ओनली चेंज दैट विल अकर्स इन द रिडक्शन इन प्रॉफिट ऑन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। यानी कि ये जो हिस्सा है टैक्स अमाउंट जो है, जो उसकी वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर चली गई, और सारा का सारा टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर ही बियर करेगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, अगर लमसम टैक्स लगता है, तो एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं होगी, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं हुई है इसलिए ना तो प्राइस चेंज होगा ना क्वांटिटी चेंज होगी, लेकिन क्योंकि एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट में से कमी देखने को मिलेगी। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। दूसरे हम बात कर रहे हैं बच्चों स्पेसिफिक सेल टैक्स, देखिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि डायग्राम हम बड़ा बना सके। स्पेसिफिक सेल टैक्स या स्पेसिफिक टैक्स कर लेते हैं। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट में भी कमी देखने को मिलेगी, सॉरी वृद्धि देखने को मिलेगी, और एवरेज कॉस्ट में चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ, देखिए मैं आपको पहले डायग्राम के समझा देता हूं, फिर मैं इसका एक्सप्लेन आप बच्चों को कर दूंगा, आपको आसान रहेगा समझना। सबसे पहले हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम दिखाते हैं।
ये हमारा है एवरेज रेवेन्यू जो कि डिमांड कर्व है, ये हमारा है मार्जिन रेवेन्यू, ये है हमारा मार्जिन कॉस्ट, ये है हमारा ए क्यू बी और पी। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। नाम में क्या रखा है, नाम हमने दे दिया है। इसके बाद ये मान लीजिए हमारी एवरेज कॉस्ट है, यानी कि इतना हमें प्रॉफिट हो रहा था, इतना मोनोपोली को प्रॉफिट हो रहा था स्टार्टिंग में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए उसके पास उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं सेल टैक्स, यानी कि इसकी वजह से उसकी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगी और साथ ही साथ एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा इस तरीके से। यानी कि यहां पे जो है ये है एवरेज कॉस्ट जीरो, ये एवरेज कॉस्ट वन है जो किससे मिलकर बना हुआ है, एवरेज कॉस्ट प्लस टैक्स से। इसी तरीके से ये है मार्जिनल कॉस्ट जीरो और ये है एम सी वन जो किससे मिलकर बनी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट जीरो प्लस टैक्स से, इससे मिलकर बनी हुई है। अब देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, इसको हम नाम दे देते हैं ई, और इसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो घट गई क्यू और प्राइस जो है प्राइस बढ़ गया, नाम हो गया इसका पी टू। यानी कि इस केस में आप देख पा रहे होंगे प्राइसेस बढ़ा है, प्राइसेस बढ़ने की वजह से टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे पड़ेगा, ये तो आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब इस केस में क्योंकि हमारी एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, जैसे पहले एवरेज कॉस्ट ये थी एसी जीरो, अब हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़कर हो गई एसीटी जो किससे मिलकर बनी है, एसी जीरो से प्लस टैक्स से। यानी कि अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये वाला है, ये वाला, इसको नाम दे देते हैं एफ और जी। यानी कि अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो केवल इतना हो रहा है, यानी कि पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो इतना हो रहा था, ये हिस्सा प्रॉफिट का था, और अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो केवल इतना हो रहा है, दिस वन। यानी कि आप देख सकते हो कि क्योंकि मोनोपोली के प्रॉफिट में कमी आई है इसलिए टैक्स का बर्डन फर्म भी बियर करेगी, और क्योंकि मोनोपोली के केस में प्राइसेस बढ़ चुका है इसलिए टैक्स का बर्डन कंज्यूमर बियर करेगा। यानी कि इस केस में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही टैक्स का बर्डन बियर करेंगे, जो प्राइसेस बढ़ चुके हैं उसकी वजह से जो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा वो कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट पहले था उस प्रॉफिट में जो कमी देखने को मिली है उस कमी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो सारा का सारा टैक्स बर्डन कंज्यूमर बियर करेगा, प्रोड्यूसर बियर करेगा। इसका मतलब टैक्स का जो बर्डन है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर बियर करेंगे, कुछ हिस्सा कंज्यूमर बियर करेगा कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर बियर करेगा। यानी कि यहां पे हमने यही बात लिखी हुई है, स्पेसिफिक सेल टैक्स इज दी इंपोज पर यूनिट बेसिस ऑन और ऑन एड वॉलरम बेसिस, यानी कि जो कीमत बढ़ रही है उसके ऊपर लग रहा है या पर यूनिट के ऊपर लग रहा है। दिस टाइप्स ऑफ टैक्स इज जस्ट एडिशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द मोनोपोली फर्म, सो नॉट ओनली मार्जिनल कॉस्ट बट ऑल्सो एवरेज कॉस्ट विल शिफ्ट द अपवर्ड डायरेक्शन। द सिंप्लिसिटी सेक वी हैव ड्रोन ओनली द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखिए ये सब नहीं होना है, हमने दोनों ही ड्रॉ करके दिखाए, एवरेज कॉस्ट को भी इंक्रीज करके दिखाया है और मार्जिनल कॉस्ट को भी इंक्रीज करके दिखाया है, और ये प्रूव करने की कोशिश की है कि अगर हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है और मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है तो प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे, प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे और हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों ही बियर करेंगे। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।